हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि रेलवे में बार बार आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका आरआरबी ईएलपी या ग्रुप डी का एग्जाम है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह सेशन, यह वीडियो। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ये एक मॉक टेस्ट होगा आपका जीके का। देखिए, इसमें 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं। अगर आप 30 या 30 से अबव करते तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आपकी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए, ये वीडियो उस पैटर्न पर रिलेटेड है जो कि आरआरबी एएलपी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, उससे पहले देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं स्टडी रिलेटेड, तो आप ऑनलाइन फ्री स्टडी लिखकर फेसबुक या टेलीग्राम पर हमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय सिविल सेवा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो बताना है भारतीय सिविल सेवा के पिता के रूप में किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको करना ऐसा है कि आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और आपका कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने अटेम्प्ट सही हो रहे हैं। तो आपका देखिए, अगर आपके 50 से ज़्यादा 50 क्वेश्चंस में से 30 से ज़्यादा हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जितने ज़्यादा सही होंगे उतने अच्छा चांसेस होंगे जो आरआरबी एएलपी में आपके आपके मार्क्स स्कोर करने के, ठीक है। तो इसका आंसर है चार्ल्स कॉर्निवालिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना से INS विक्रांत को कब हटा दिया गया, बताना है भारतीय सेना में INS विक्रांत को कब हटा दिया गया है। एक युद्ध पोत था, उसको हटा दिया गया था, उसकी सन हमें बतानी है, तो उसकी सन है 1997, ठीक है। क्या है 1997, और 2017 में इसे डीमेटलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए वर्तमान सुरक्षा सलाहकार कौन है, वर्तमान सुरक्षा सलाहकार हमें बताना है, तो ये कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताइए, ठीक है। ओके, इसके इनका नाम है अजीत डोवाल। क्या नाम है इनका? अजीत डोवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस गुब्बारे में कौन सी गैस होती है, जो गैस गुब्बारा होता है जो कि हवा में उड़ता है, उसमें कौन सी गैस होती है, बताना है, जिसके कारण वह उड़ता है गुब्बारा, ठीक है। तो इसका आंसर है हीलियम गैस। हीलियम गैस बहुत ही हल्की होती है, जिससे क्या होता है, गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम को संविधान अधिनियम 1976 के रूप में भी जाना जाता है, बताना है कौन सा संविधान संशोधन है जिसको हम संविधान अधिनियम 97 के रूप में भी जानते हैं, तो यह है 42वां संविधान संशोधन। क्या है? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और जो लास्ट संविधान संशोधन था 122वां, उसमें GST से रिलेटेड संशोधन किया गया था, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 में किस अभिनेत्री ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, बताना है 2018 में फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, तो यह है सिंपल सा आपका आंसर है श्रीदेवी, ठीक है। स्वर्गीय श्रीदेवी ने यह जीता पुरस्कार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, बताना है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। मैं आपको 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, जिससे क्या हो, आपको सही से समझ में आ जाए और आप कमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है सरनाथ। क्या नाम है? कहाँ पर किया था? सरनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2018 के लिए थीम क्या थी, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी 2018 की, NSD हम इसे बोलते हैं, नेशनल, ठीक है, NSD, ठीक है, नेशनल साइंस डे, ठीक है। ओके, तो देखिए, इसकी जो थीम थी, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसका जो थीम थी वो क्या थी, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो बताना हमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है?
28 फरवरी को, ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताना है मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट करके मुझे बताइए। इनका आंसर है दीपक मिश्रा। क्या है? दीपक मिश्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। हमने आगा खां की ट्रॉफी थी उससे पहले करी थी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो कि ट्रॉफी थी वो हमने डिस्कस की थी पिछली वाली वीडियो में। अब हम संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है वह डिस्कस कर रहे हैं, तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से। किस से रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, सुनील छेत्री जो है फुटबॉल से रिलेटेड हैं। सुनील छेत्री सबसे इंडिया के जो फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और उन्होंने रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है और उन्होंने इतने गोल्स कर लिए हैं, ठीक है। ओके, जो सुनील छेत्री हैं उन्होंने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमिश्क किस देश की राजधानी है? दमिश्क हमें बतानी है किस देश की राजधानी है। ओके, तो दमिश्क है सीरिया की राजधानी। कहाँ की है? सीरिया की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस हंसते हुए गैस के रूप में जानी जाती है, मतलब हंसने वाली गैस को हम क्या कहते हैं, ठीक है, या फिर उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, बताना है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। यह आपका एक मॉक टाइप का टेस्ट है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से दीजिए क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं आरआरबी एएलपी में, ठीक है। आई होप ग्रुप डी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो बताना है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो ये है जिम्नास्टिक से। किस से है? जिम्नास्टिक से यह संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा, ये तो आपको बहुत ही सिंपल है। सबसे गर्म मतलब सबसे नजदीक वाला ग्रह सूर्य के, तो ये होता है शुक्र ग्रह, ठीक है। ओके, तो देखिए 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 गर्म ग्रह से रिलेटेड है, शुक्र ग्रह गर्म होता है, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? देखिए नजदीक अलग बात है, और देखिए गर्म जो होता है, सॉरी देखिए जो पिछले वाले क्वेश्चन 15 नंबर के, उसमें शुक्र ग्रह सबसे गर्म होता है, लेकिन जो सबसे पास है वह है बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा विकसित एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का नाम है, तो हमें बताना है नेविगेशन प्रणाली भारत द्वारा जो की गई है खुद की प्रणाली का क्या नाम है, ठीक है। तो उसकी प्रणाली का नाम है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, IRNSS। क्या नाम है? IRNNS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है, हमें बताना है गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। तो हमने पहले भी बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो स्पीड टेस्ट में आकर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में स्पीड टेस्ट मिल जाएगी, या फिर मॉक टेस्ट की वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, विरूपक्ष मंदिर हमें बताना है कहाँ पर स्थित है, तो विरूपक्ष है हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद भारत के समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो बताना है भारत में जो एक अनुच्छेद है भारत के समान नागरिक संहिता से संबंधित है, इसका आंसर है अनुच्छेद 44। क्या है? अनुच्छेद 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, हमें बताना है G20 जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ब्यूनोस एयर्स में, अर्जेंटीना में। कहाँ पर? ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना में ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था, ये हमें बताना है 1980 में पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है, फोटोग्राफी का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बर्ड वॉचर को हम क्या कहते हैं, ठीक है, आपको याद करना है, ठीक है। ओके, और भी बहुत सारी जो है अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग अध्ययन होते हैं, तो उनके भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मानचित्रों। क्या बोलते हैं? मानचित्रों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट,
अल्केन के लिए सामान्य सूत्र है। एल्केन के लिए सामान्य सूत्र हमें बताना है, इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है सी, यहाँ पर कोई अणु रख सकते हैं आप, ठीक है, सी एन मतलब कोई नंबर, सी एच टू प्लस एन टू, ठीक है। यहाँ पर सामान्य सूत्र होता है, एन की जगह पर एक वैल्यू रखनी होगी आपको, ठीक है, जो कि ठीक है, इस प्रकार का अणु सूत्र बनेगा आपका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक जेनेटिक्स के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। आधुनिक जेनेटिक्स के रूप में किसे किसको हम पिता कहते हैं, ठीक है, तो ये है ग्रेगोर मेंडेल। क्या है इनका नाम? ग्रेगोर मेंडेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सोनार बंगाल किसने लिखा था। गाना है अमर सोनार बंगाल, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को आप तो जानते होंगे, जो बंगाल के देश के राष्ट्रीय गान है, ठीक है, ओके। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, जो कि राष्ट्रगान हमारे इंडिया का लिखा है, वही किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है, ओके। अष्टाध्याय ने किसने लिखा, अष्टाध्याय को किसने लिखा लिखी थी, ये हमें बताना है। तो यह लिखी थी पाणिनि, कौन ने लिखी थी? पाणिनि ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया। जो आविष्कार की सारी सारी वीडियो है, पूरे आविष्कार जो मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप वीडियोस जो हैं ऑलरेडी पुरानी वाली वीडियोस है उसमें आकर देख सकते हैं, 102 दिन पहले ही मैंने डाली है। सारे के सारे जो इन्वेंशंस हैं, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, और उनके जो भी इन्होंने इन्वेंशन किया उनके नाम उसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, ओके। इनका नाम है रोंगटन, क्या नाम है? रॉट गन, क्या नाम है? रॉट गन, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले भारतीय को नाम दे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, मतलब पहला भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार लिखा, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। क्या था इनका नाम? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया था, विद्युत प्रवाह को, ठीक है, ओके, किसका प्रयोग, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी को नापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो अमीटर, किसका प्रयोग किया था? अमीटर को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 के लिए पुरुष का एकल खिताब किसने जीता। बहुत ही सिंपल, रोजर फेडरर ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 का महिला एकल खिताब किसने जीता, तो जीता कैरोलिना वेनिकी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल वंश का संस्थापक किसने की मुगल वंश की स्थापना की, तो ये की थी बाबर ने, किसने की थी? बाबर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, कैला सत्यार्थी के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला। बताना है कैला सत्यार्थी जबलपुर के हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, पीस पुरस्कार जो होता है नोबेल का, वो मिला था, उनके साथ में किसको मिला था वो बताना है, तो ये मिला था मलाला यूसुफ सैयद को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन इट माय बे बुक के लेखक कौन है, ठीक है। इस बुक के लेखक का नाम बताना है, तो इस बुक के लेखक का नाम है सचिन तेंदुलकर और बोरियर मजुमदार, क्या नाम है? बोरियर मजुमदार, सचिन तेंदुलकर और बोरियर मजुमदार, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के सीईओ कौन है। बताना है गूगल के सीईओ कौन है, सॉरी सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, कौन है? सुंदर पिचाई, जो कि एक इंडियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है, तो ठीक है, राजा राम मोहन राय, क्या नाम है? राजा राम मोहन राय। कौन सी गैस मार्स गैस के रूप में भी जानी जाती है, मार्स गैस के रूप में किस गैस को कहते हैं, तो यह है मिथेन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता ने 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता। तो पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के किसने रिसेंटली में जीता है, तो ये जीता है विनोद खन्ना ने। किसने जीता है? विनोद खन्ना ने, मरने के बाद, ठीक है, ओके, पोस्ट ह्यूमसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान एक कब लॉन्च किया गया था। हमें बताना है चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था
22 अक्टूबर 2008 को, कब? 22 अक्टूबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन, जो स्पेस एजेंसी है उसको बताना है, इंडिया की, ठीक है, जाक्सा जापान की, इसरो इंडिया की, और नासा अमेरिका की, ठीक है, ओके। तो ये है 15 अगस्त 1969, यानी 15 अगस्त 1996, ठीक है। वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? बताना है वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये है अर्जित पटेल। क्या नाम है इनका? अर्जित पटेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला वक्ता कौन था? बताना है लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था, ठीक है। जो वक्ता समझ में नहीं आ रहा है तो स्पीकर से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इनका नाम था गणेश वासुदेव मालवलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मालवलंकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे लंबा सेवा करने वाला मुख्यमंत्री कौन है? बताना है सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम है पवन चामलिंग। क्या है? पवन चामलिंग इनका है नाम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2017 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिली? ये बताना है हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको स्पोर्ट्स से, ठीक है। तो ये मिली विराट कोहली को, किसको मिली? विराट कोहली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से के साथ जुड़ा हुआ है? बताना है ऐसा कौन सा राज्य जो मैक्सिमम किसी भी राज्य मैक्सिमम राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है, तो यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम बताना है हमें, तो इनका नाम है अंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 यानी कि 2020 के लिए आईसीसी T20 विश्व कप कहाँ खेला जाएगा, यह हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए पूरे की पूरी वीडियो आई थिंक आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो भी आरआरबी एएलबी में आने की चांसेस हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भी और जो भी वीडियोज़ हैं, जो आने वाली वीडियोज़ हैं, वो आपको सबसे पहले मिल जाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।